हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होगे और अच्छा कर रहे होगे। अपना जो भी आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होगे उसमें आप अच्छा कर रहे होगे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था एग्रीगेट के बारे में, जैसा मैंने आपको बोला था कि आज मैं एग्रीगेट के मतलब मीन्स कल हमने एग्रीगेट के साइज के बारे में डिस्कस किया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप जाके उनके साइज के बारे में डिस्कस कर लीजिए, देख लीजिएगा। और आज का जो वीडियो है वो उसके आगे है, उसके आगे इन द सेंस साइज के बाद आता है सेप का नंबर। तो हम लोग आज का वीडियो हम लोग का जो है वो सेप बेस्ड है और साथ ही साथ यूनिट वेट के बेस्ड पे है। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जैसे कि कल हमने बोला था कि 75 mm के ऊपर अगर हमारा बार का साइज रहेगा तो हम लोग क्या करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोपियन बोलेंगे। ठीक है, तो आज जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है कि साइज मतलब एक एग्रीगेट जो होता है उसके शेप्स कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, उसके शेप हो सकते हैं राउंड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। ये हमारे चार मिनिमम टाइप्स है, राउंड एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट एंड फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। जैसा कि आपकी इमेज में देख रहे होंगे, राउंड इमेज एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट एंड फ्लैकी एग्रीगेट। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा जो राउंडेड एग्रीगेट होता है ये कैसा होता है। द एग्रीगेट ऑफ राउंड शेप मीन्स रिवर एंड सी सोर्स पे आने वाले ग्रेवल्स जो होते हैं उनको वो राउंड राउंड होते हैं, आपने देखे होंगे गोले गोले। ये देखिए इमेज में अभी आप देख सकते हैं, हैव मिनिमम वाइड्स रैंगिंग फ्रॉम 32 to 33%। मीन्स उसके अंदर जो वाइड फॉर्म्स होते हैं वो वाइड फ्रॉम 32 to 33% तक होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास राउंड शेप होता है उसमें जो वाइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 32 to 33% होते हैं फ्रेंड्स। अब आप बोलोगे कि ठीक है राउंड तो आपको समझ में आ गया जिसमें इतने वाइड्स होते हैं, इरेगुलर में कितने वाइड्स होते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं इरेगुलर में कितने हो सकते हैं। द एग्रीगेट ऑफ इरेगुलर शेप मीन्स पिट सैंड एंड ग्रोवल्स से बने हुए रहते हैं, देखिए आपको इमेज में दिख रहे होंगे, है मिनिमम वाइड्स रैंग फ्रॉम 35 to 38%। मीन्स इसमें इसके कंपेयर में राउंड शेप के कंपेयर में इस सेम इरेगुलर शेप में ज़्यादा वाइड्स फॉर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इरेगुलर कभी ऐसा हो गया कभी ऐसा हो गया, मीन्स इसके बीच में वाइड्स ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं कंपेयर टू जो हमारे राउंड इस तरीके गोले गोले हमारे पास रहते हैं। ठीक है, अब आपको राउंडेड पता है, आपको इरेगुलर पता है, अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है। चलिए एंगुलर के बारे में देख लेते हैं। देखिए आप इमेज में देखिए, द एग्रीगेट ऑफ एंगुलर शेप क्रस्ट रॉक जिसको बोलते हैं, क्रस्ट करके आजकल रॉक देखते हो, रॉक को क्रस्ट कर देते हैं। द एग्रीगेट ऑफ एंगुलर शेप है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाइड्स, उसमें जो वाइड्स का जो परसेंटेज होता है वो होता है 38 to 40%। कितना? 38 to 40%। मीन्स इसमें राउंड में कितने हो गए, 32 to 33, इरेगुलर में कितने हो गए, 35 to 38, और यहाँ पे जो हमारा एंगुलर है एंगुलर में कितने हो गए, 38 to 40। तो ये आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोग किस शेप में कितना हम लोगों के पास अपना एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट में वाइड्स होते हैं। चलिए अब ये देखते हैं, आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोगों में देखता हूँ उनको फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट के बारे में पता होगा। चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं फ्लैकी और एंगुलेटेड एग्रीगेट के बारे में भी। तो आप देखिए यहाँ पे, द एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड, द एग्रीगेट इलोंगेटेड मतलब ये वाला इलोंगेटेड, द एग्रीगेट is said to be elongated when its greatest dimension length is greater than 1.58 times। इसका जो greatest dimension होगा वो इसके इससे greater होगा mean dimension से, its mean dimension, तो क्या होगा वो elongated होगा। आप इससे diagram में देख लीजिए कैसा elongated aggregate दिखता है। okay, next और बहुत ही interesting flaky। अब देखिए flaky क्या होता है, the aggregate is said to be flaky when its dimension means thickness, इसकी thickness is 3/5, means third fifth
3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन से इसका 3/5 होगा तो क्या कहलाता है, फ्लैकी कहलाता है। तो हमने इस तरीके से डिस्कस किया कि जो हमारे शेप होते हैं अलग अलग, वो शेप किस तरीके के होते हैं। मैंने बहुत ही इसको निचोड़ में निकाल के आपके पास लाया हूँ मैं, इट मीन्स सॉलिड इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अभी सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि वाइड फॉर्म जो होते हैं राउंड शेप में कितने परसेंट से कितने परसेंट तक होते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन जो SSC JE में पूछे जा रहे हैं और RRB JE CVT 2 में आने वाला है, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। और अगर आप इस सीरीज को पूरा देख रहे हैं, फर्स्ट वाले वर्जन को भी देख, फर्स्ट वाले वीडियो को भी देखिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और उसके बाद सेकंड ये हम लोग बना रहे हैं, इसके बाद थर्ड बनाएंगे, फोर्थ बनाएंगे, मीन्स पूरा का पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके आने वाले हैं, वो हम लोग इसमें तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद 2 से 3 में बहुत कम संख्या बता रहा हूँ, वैसे तो मैक्सिमम होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैंने 2 से 3 दिन बताया कि मिनिमम इतने तो होंगे ही होंगे। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, और वो क्या है, वो है यूनिट वेट। क्या है, यूनिट वेट के अकॉर्डिंग, यूनिट वेट के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं, हमारे पास कौन कौन से एग्रीगेट होते हैं यूनिट वेट के अकॉर्डिंग, वो हम लोग इस वीडियो में, इस वाले हम लोग देखते हैं लेक्चर में क्या क्या होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, द एग्रीगेट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स वेट, अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट मतलब डेंसिटी, यूनिट वेट मीन्स डेंसिटी। बहुत से कम लोगों को कन्फ्यूज होता है, उनको पता है कि RCC की डेंसिटी कितनी होती है, 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, बट उनसे पूछ लो RCC का यूनिट वेट, ये क्या होता है यार, ऐसे करके कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अपन को कन्फ्यूज नहीं होना, बस कन्फ्यूज होंगे तो फिर अपने को क्लियर नहीं होगा। और गवर्नमेंट्स में बहुत ही दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सो हमें बहुत साफ माइंड अपना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसको किसने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए, नॉर्मल वेट एग्रीगेट एक होता है जो नॉर्मल वेट का होता है, और एक होता है जो हैवी वेट का एग्रीगेट होता है, एक होता है जो लाइट वेट का एग्रीगेट होता है। मीन्स अगर कोई पूछता है कि जो हमारा अपना एग्रीगेट है, एग्रीगेट को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, तो आप उसको पहले क्लियर करो, क्या बोलो, एक तो होता है कि इसका साइज, एक होता है इसका सेप, एक होता है इसका यूनिट वेट, तीन में बांटा गया है। तो हम लोग तीसरा वाला पढ़ रहे हैं और इसके बाद पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी। चलिए तो देखते हैं, द कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट इज सैंड, ग्रेवल्स, क्रस्ट, रॉक्स सच एस ग्रेनाइट, बासाल्ट, क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन व्हिच हैव स्पेसिफाइड ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 2.7 प्रोड्यूस कंक्रीट। अब आप बोलोगे सर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आप पढ़ाते जा रहे हो, बट हमको ये भी नहीं पता कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। चलिए आज आपको क्लियर ही कर देता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बाई वाटर डेंसिटी ऑब्जेक्ट डेंसिटी बाई वाटर। अब बोलोगे ऑब्जेक्ट मीन्स सर, अरे भाई ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे RCC, मान लो RCC की डेंसिटी कितनी होती है, आपको पता है कितनी होती है, 2500 होती है, किसकी, RCC की ना। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। अब बोलोगे सर यूनिट तो आप लिख ही नहीं रहे हो, भाई यूनिट होता है इसका kg per meter cube। तो आप देखो kg से kg per meter cube है, यूनिट गया, इसको इससे काट दिया, कितना आ गया 2.5। मींस RCC का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना है, 2.5। आज आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत से क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इतनी है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, आप चुपचाप बता दो क्या करना है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी बाई वाटर डेंसिटी, और kg कट गया है, kg पर मीटर क्यूब से kg पर मीटर क्यूब कट गया है, तो इसकी यूनिट होगी नहीं। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसकी जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है कितनी रहती है, वो 2.5 से 2.7 प्रोड्यूस कंक्रीट विद यूनिट वेट। अब देखिए इसका यूनिट वेट कितना होता है, 23 to 26 क्या किलो न्यूटन। अगर इससे आपसे पूछ लेगा कि kg पर मीटर क्यूब में बताओ, तो 2300 to 2600। क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, सम हैवी वेट एग्रीगेट सच एस मैग्नेटाइज, क्वार्ट्ज, स्लैब, आयरन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटीज रेंजिंग फ्रॉम, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, कितनी होती है, 2.8 से 2.9 यूनिट, एंड यूनिट वेट कितना होता है, उसके आगे ही होगा, क्योंकि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो यूनिट वेट भी ज्यादा होगा, कितना होता है, 28 to 29 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द हैवी कंक्रीट विच इज इफेक्टिव टू होप्स रेडिएशन सेट्स, ठीक है, इफेक्टिव एज अ रेडिएशन सेट।
तो मीन्स जब हमारे बड़े काम के लिए हमें यूज करना होता है कंक्रीट, तो हम लोग क्या करते हैं, हैवी कंक्रीट को, हैवी वेट वाले कंक्रीट को यूज करते हैं, नॉर्मल के लिए नॉर्मल। और लाइट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं लाइट, और ये लास्ट है, द लाइट वेट एग्रीगेट सच हैविंग यूनिट वेट अप टू 12 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आर यूज टू मैन्युफैक्चर द स्ट्रक्चरल कंक्रीट एंड मैग्नरी फॉर द रेडिएशन ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। मीन्स इसका ज्यादा यूनिट वेट नहीं होता, कितना होता है यार, 12 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब के पास तक होता है, लाइक 11 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से होता है। तो हमने अच्छे तरीके से एग्रीगेट के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना मेहनत मैं करता हूँ यार, ऑफिस से आने के बाद मैं अगर बना रहा हूँ, तो एक आप थोड़ा सा काम आप भी करो कि आप इसको लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स तक जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, फ्रेंड्स जो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस तैयार कर रहे होंगे, उनको आप भेज दो। और जैसे आप भेजोगे और ट्रैफिक आएगा, तो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए और अच्छे से टॉपिक्स पे। और आज से हम लोग एक टेक्ला की भी हमारी एक नई सीरीज आ रही है, तो आप जल्दी ही देखिएगा, टेक्ला भी आपको इसमें मिलेगा। आप टेक्ला बोलोगे क्या होता है, तो उसको टेक्ला वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोग देखिएगा। ये आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कंक्रीट के। जल्दी ही मैं कंक्रीट खत्म करने के बाद सोम पे आने वाला हूँ। इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए, जिन्होंने लास्ट तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करो यार, अगर नए यूजर हो, और पुराने हो तो अपने दोस्तों को बोलो यार कि वो भी सब्सक्राइब करें। चलो थैंक यू।